किस तरीके से जो मजबूती आएगी पहले वो आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको बता दें खासतौर से जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, इसी कॉम्प्लेक्स में C-295 का जो विमान है उसका निर्माण होगा। और ख़ासतौर से आपको बता दें कि ये कैसे जो पूरी कवायद शुरू हुई थी 2021 की, अगर हम बात करें तो कैबिनेट ने 56 परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। 56 जो ऐसे विमान हैं उनको मंजूरी दी गई। 16 विमानों की जो आपूर्ति है वो सीधे स्पेन से की जा रही है, यानी इसमें से जो 16 विमान हैं, और उसके साथ साथ जो बचे हुए 40 हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में 40 विमानों का निर्माण करेगा। और जब ये निर्माण हमारे देश में होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लाभ उसके ज़रिए मिलेगा। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में पहला C-295 विमान 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं कि जो पूरा बेड़ा है वो कब तक तैयार होगा, तो अंतिम विमान की जो डिलीवरी है वो अगस्त 2021 तक पूरी होने की अभी तक संभावना जो है वो जताई गई है। लेकिन किन मायनों में खास है मालवाहक विमान जो है C-295, आपको बता दें इसकी जो वहन क्षमता है वो करीब 5 से 10 टन की है, और उसी वजह से इसको इस श्रेणी में रखा गया है। और जब हम 5 से 10 टन तक के भार की बात करते हैं तो यानी खासतौर से 71 सैनिकों या 49 अर्ध सैनिकों को रखने की जो व्यवस्था है वो आप मान सकते हैं, आवागमन जो है उनको लेके यहाँ पर हो सकता है। और अब ये जो C-295 है, जो 56 विमान होंगे, ये आप बता दें भारतीय वायुसेना के जो पुराने एवरो विमान हैं उनकी जगह लेंगे, और जाहिर तौर पर जो इनके काम है उसमें तो तेज़ी आएगी। और अक्सर हम देखते थे कि जब हमारे देश में जिस तरीके से जब हम बात करते हैं किसी भी तरह की जो आपदा की बात की जाती है तो आपदा प्रतिक्रिया हो और समुद्री गश्त में तेज़ी से काम करने में C-295 के ज़रिए जो मदद है वो मिलेगी, यानी इसमें जो तेज़ी है तीव्रता जो है वो नज़र आ सकेगी। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही, जब हम विनिर्माण अपने देश में करेंगे इसके साथ साथ रोज़गार के जो अवसर हैं वो भी निकलेंगे, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी। और ये जो रोज़गार हैं जब हम खासतौर से बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो कई ऐसे रोज़गार जिनकी संभावना जताई गई है, जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो 600 से अधिक उच्च कुशलता और 3,000 मध्यम कौशल रोज़गार के जो अवसर हैं वो इसके ज़रिए निकलकर सामने आएंगे। तो जब रोज़गार बढ़ेगा, विनिर्माण बढ़ेगा, तो उसका सीधा फायदा कहाँ होगा, वो फ़ायदा मिलेगा हमारी देश की अर्थव्यवस्था को। यानी ये जो लाभ है वो फिलहाल अब हमें नज़र आ रहे हैं इसके ज़रिए जो मिलने जा रहे हैं, और इसी पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि कैसे इसके ज़रिए जो लाभ है वो हमें मिल पाएगा। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ